like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So hey guys, welcome back to another video of KTP Krishna Teaching Point. आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है. ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड. जैसा कि आपको दिख रहा है, चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. क्लास 11th अकाउंट्स का सीरीज चल रही है अभी. और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लेके. इन पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. शुरू से जरा बता देता हूँ कि क्या बात थी, कैसे स्टार्टिंग करी, कि एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है. जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था, इट्स अ शॉर्ट थिंग. आपको बताया, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा इससे, कुछ तो माइंड में आ रहा होगा. मेन चीज़ें थी फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाई थी कि क्यों होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑफ प्रिपेयरिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग और डूइंग द अकाउंटिंग. तो उसमें था डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट और डिटरमाइनिंग द पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट. तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए किसी भी कंपनी, किसी भी एंटरप्राइज का, और उसकी बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए. तो अब पॉइंट आता है, उसको निकालने के दो तरीके होते हैं. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग को करने के कितने तरीके हैं, दो हैं. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट देख लिया किस तरीके से उसके क्वेश्चन सॉल्व करने. अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड. इनकम रिकॉर्ड होगी जब इनकम अर्न्ड हो जाएगी. और एक्रूड, एक्रूड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं इनकम को लेके बात कर रहा हूं तो एक्रूड इनकम का मतलब क्या हो गया कि इनकम अर्न्ड कर ली, मतलब ट्रांजेक्शन हो चुका. ट्रांजेक्शन हो चुका इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट मैं हूं और आप हैं, मेरी फर्म है और आप थे, मैंने आपको गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दिए, आपने मेरे को कैश नहीं दिया है. मतलब कि मैंने आपको गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दिए हैं, आपने मेरे को कैश नहीं दिया, आप आए मेरे पास और उधारी पे मेरे से सामान लेके चले गए. तो इस टाइप पे अगर मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता तो क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता. दोबारा सुनना क्वेश्चन, आप और मैं हैं, ठीक है ना, मैं हूं एक एंटरप्राइज, मैं हूं एक फर्म, आप मेरे पास आते हैं, कुछ गुड्स परचेस करते हैं और पेमेंट नहीं करते, कहते हैं मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, आफ्टर 15 डेज या विद इन 1 month आपका पेमेंट कर दूंगा. तो ये ट्रांजेक्शन अगर मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता तो क्या ये वाला ट्रांजेक्शन मैं रिकॉर्ड करता, नहीं, एब्सोल्यूटली नॉट. बिकॉज यहां पर कैश का रोल नहीं है, कैश का कोई रोल नहीं है, कैश मेरे पास आया ही नहीं. रिकॉर्ड तो तब करता जब मैं आपको गुड्स देता और आप मेरे को पैसे दे देते हैंड टू हैंड, लेकिन अब वहां पे वो रिकॉर्ड नहीं होगा कैश बेसिस में. लेकिन एक्रूअल में क्या है कि रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्रूड इनकम यहां पे लिया जाता है. जो चार एडजस्टमेंट थे हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड और एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम, ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस एक्रूड. एक्रूड ये गया, एक्रूड का मतलब होता है अर्न्ड कर ली, सेल हो चुकी, ट्रांजेक्शन हो चुका, सामान दे दिया लेकिन पैसे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड होगी एज अ डेटर मान के, एज अ डेटर मान के ये रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है ना. मतलब देखते हैं, इन दिस अकाउंटिंग ऑल द एडजस्टमेंट दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब इसके अंदर चारों एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है. मैचिंग प्रिंसिपल क्या है कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना होता है आपस में कि प्रॉफिट हुआ है लॉस, बट आफ्टर मेकिंग ऑल दी फोर एडजस्टमेंट, डेटा प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस और आउटस्टैंडिंग. ओके, तो ये था. अब आता है कि दो प्रिंसिपल को फॉलो करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल समझो क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल समझ गए, रिवेन्यू एक्सपेंसेस को कंपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, बट आफ्टर मेकिंग ऑल द फोर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. तो इस प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, रिवेन्यू को मान लेते हैं जब हमारी सेल हो जाती है, जब हमारी सेल हो जाती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट दैट द कैश और द पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट. समझे, हम यहां पर रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, रिवेन्यू को मान लेते हैं सेल होने पर, एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल, सेल होने पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये मायने नहीं रखता वहां पर कि आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, रादर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट, पेमेंट आया है या नहीं. नहीं भी आया है तो एज अ डेटर मान के एंट्री कर दो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल कर दो, ठीक है ना. अगर सपोज आप मेरे से गुड्स क्रेडिट पे लेके गए थे तो मैंने आपको डेटर मान लिया, आपका नाम है ए,
तो एज अकाउंट डेबिट आप मेरे डेटर हो गए टू सेल्स, आपको मैंने गुड्स बेच दिए, यहां मेरी सेल्स हो गई, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। सेकंड, रिवेन्यू रिकॉग्निशन समझा दिया, मैचिंग प्रिंसिपल पता चल गया, दोनों फॉलो कर रहा है। मैचिंग का मतलब चारों एडजस्टमेंट्स हो रही हैं इसके अंदर, और रिवेन्यू के अंदर यहां पर क्या है, कैश आया भी नहीं है तो अभी एज अ ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड किया जाएगा, बिकॉज यहाँ चारों एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमने तो भैया उसे गुड्स दे दिए, तो हमारा तो एक्रूड इनकम बन गया ना, एक्रूड इनकम बन गया। दो तीन एग्जाम्पल और दूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले इसके साइंटिफिक अप्रोच है, फॉलोड बाय द अकाउंटेंट्स, मोस्ट सुटेबल मेथड है किसी भी एंटरप्राइज के लिए, बिकॉज ज्यादातर एंटरप्राइज कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करती हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जो मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं जहां पर डॉक्टर्स देखते हैं, वहीं पर ज्यादातर कैश बेसिस फॉलो होती है, बिकॉज वहां पर इन चारों एडजस्टमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अपने सारे खर्चे जब होते हैं तब पे कर देते हैं, मतलब जब भी उनको खर्चे आते हैं, उनके पास बिल आता है, एट द टाइम वो पे कर देते हैं, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी उनका उधारी पे नहीं चल रहा या पिछले महीने का रह नहीं गया उनका, वो हैंड टू हैंड पे कर देते हैं। दूसरी चीज, जो उनकी इनकम आ रही है वो हैंड टू हैंड रिसीव होती है, ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट उन्होंने देख लिया और उससे कह दिया कि आप पैसे कल ले जाना है, एक महीने बाद दे देना, ऐसा नहीं होता। तो वहां कैश बेसिस सुटेबल है, लेकिन यहाँ और अदर जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं, अगर आपके घर में भी कोई बिजनेस चल रहा है तो वहां पर यही अकाउंटिंग फॉलो होती है, दैट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आप पूछ सकते हैं अपने घर वालों से। सेकंड है एडवांटेज, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है इससे, ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन पता चलती है इससे। कैसे? क्योंकि अब देखिए, अगर मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग होती है चीजें, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग हम दिखा नहीं सकते, इन कैश बेसिस आउटस्टैंडिंग नहीं दिखा सकते। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है समझ लो, सपोज दैट आप हैं, ये 21 चल रही है, 2021 चल रही है, ठीक है, आपको यहां पर फेब्रवरी का रेंट देना था, अब तो मार्च चल रही है, ठीक है, आपको फेब का रेंट देना था, डेट इज 1000 रुपीज रेंट देना था, आप रेंट पे कोई जगह यूज कर रहे थे, ओके, लेकिन आप ये 1000 रुपए नहीं पे कर पाए, नॉट पेड, आपने पे नहीं करे ये 1000 रुपए का रेंट जो फेब्रवरी का था, अब तो मार्च चल रहा है, मतलब लास्ट मंथ का था, आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग है। तो इन कैश बेसिस अकाउंटिंग इस ट्रांजेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं होगा, यहाँ कैश का रोल ही नहीं है, लेकिन एक्रूअल के अंदर ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, वहां पर आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज के अंदर, इन लाइबिलिटीज हेड अकाउंट आपके शो किया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग रेंट आपका चल रहा है, आपने पिछले महीने का रेंट नहीं दिया। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसके अंदर लाइबिलिटीज सारी छुप जाती हैं, लाइबिलिटीज नहीं दिखती इन कैश बेसिस अकाउंटिंग, और एक फर्म की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं होती। अगर आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको उसकी लाइबिलिटीज दिखेंगी नहीं, अगर वो कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करेगा तो, क्योंकि यहां तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, जब पे करेंगे तब कट जाएंगे, फिर वो मायने रखता है कि किस मंथ का उन्होंने पे कर दिया। तो पॉइंट क्या है यहां पर कि ये रिकॉर्ड अब होगा इन एक्रूअल बेसिस, कैसे होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है ना, और जब पे कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दो एंट्रीज हो जाएंगी। जनरल एंट्री पे आएंगे तो बहुत अच्छे से सिखाऊंगा जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी, कुछ खामियां जरूर होती हैं अगर कोई चीज अच्छी होती है तो। इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस, अब कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है कि पैसा आया रख लिया, पैसा गया रख लिया, आ गया तो रख लिए कि 100 रुपए आ गए, चले गए 150 वो नोट कर लिए, ऐसी 50 आ गए 40 चले गए, इस तरीके से आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, पैसा आ रहा है उसका एक हेड बना लिया, जा रहा है उसका बना लिया, और कुछ आपको देखना ही नहीं है। तो ये सिंपल नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है, जनरल लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट पे पहुंचते हैं आप। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, ओके, प्रोसेस इज टू इलेबोरेट, बहुत लेंथी है, क्विक रिजल्ट नहीं मिल सकता। अगर आप चाहो कि आप बहुत जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लो अपनी फर्म का, इतना ईजी नहीं है, बिकॉज चारों एडजस्टमेंट होते हैं इसके अंदर, इतना सिंपल नहीं है कि आप आसानी से बैठ के बना लो और कर लो, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत दिमाग मारना पड़ेगा, सारे एडजस्टमेंट सेट करने पड़ेंगे, ओके। एट लास्ट यही याद रखना है आपको कि एक्रूअल बेसिस के अंदर चारों एडजस्टमेंट्स होते हैं और कैश बेसिस के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, चारों में से एक भी एडजस्टमेंट कैश बेसिस के अंदर नहीं होता, इसीलिए उसके अंदर कैश का जब आना जाना होता है, जब कैश रिसीव होता है या पे होता है तभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, अदरवाइज नॉट। और एक्रूअल बेसिस के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, चाहे उसमें कैश आया हो या ना आया हो। अब फटाफट से एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं फॉर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। हियर शॉर्ट एग्जांपल, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18 मिस्टर केटीपी हेल्ड कैश सेल
सबसे पहले जो चीज गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर उसे नोट डाउन करते चला करो साइड से। कैश सेल कितनी है 3,90,000। देन इसके बाद दे रखा है क्रेडिट सेल अलग है, ठीक है ना। तो क्रेडिट सेल कितनी है हमारे पास है 1,60,000। ओके, नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स विच आर मैंशनिंग इन द क्वेश्चन, बिकॉज वो कहीं ना कहीं काम आती है, अदरवाइज क्वेश्चन में गिविन क्यों होती, ठीक है ना। तो साइड से ये सारे पॉइंट्स लिख लिया करो ताकि बार बार न्यूमेरिकल फिगर्स क्वेश्चन से ना देखनी पड़े और कोई इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। ये देख लिया, इसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है हमारे 2,70,000 और इसी के अंदर इंक्लूडेड है आउट ऑफ विच, इन्हीं में से 80,000 स्टिल टू बी पेड, 80,000 इसी के अंदर आउटस्टैंडिंग भी है। अब क्वेश्चन नीचे तक पढ़ना, स्टिल टू बी पेड, फाइंड आउट द इनकम ऑफ द मिस्टर केटीपी इन एक्रुअल बेसिस। कैश बेसिस में नहीं पूछ रहा ना, एक्रुअल बेसिस है तो सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस सब होंगी। कैश बेसिस होता तो कैश कैश की लेता, देखो दोनों से दिखा दूंगा। एक्रुअल बेसिस से पहले आंसर देखते हैं, ठीक है, एक्रुअल बेसिस को फॉलो करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। एक्रुअल बेसिस के थ्रू अब मैं यहां पर अगर सेल्स लिखूंगा तो आप बताओगे सेल्स कितनी आएगी, पहले सी दैट सेल कितनी आएगी, क्या दोनों को लूंगा या एक को लूंगा, बताओ। अच्छे से बता दिया था रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल की रेवेन्यू को मान लिया जाता है तभी जब सेल हो जाती है, इट इज इररिस्पेक्टिव और इमेटेरियल की कैश आया है या नहीं आया। तो क्रेडिट सेल में क्या होता है, कैश नहीं आता, लेकिन सेल तो हो चुकी, ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो चुके ना इन द बुक्स ऑफ जर्नल, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन यहां पर सेल कितनी मानी जाएगी, 3,90,000 + 160,000 = 5,50,000। देन आते हैं एक्सपेंसेस, खर्चे कितने हुए। अब आप कहोगे इसके अंदर 80,000 आउटस्टैंडिंग भी हैं, तो ये तो क्रेडिट सेल थी, ये वाला कौन सा एडजस्टमेंट था, एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट था। ये चारों एडजस्टमेंट होते हैं, आइडेंटिफाई करो कौन सा है। ये एक्रूड इनकम हो गया, ये कौन सा वाला है, ये आउटस्टैंडिंग वाला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला जो मैंने लिखे थे, चारों होते हैं, चार होते हैं, एक्रूड इनकम और फिर आता है एडवांस इनकम, फिर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन होता है हमारा प्रीपेड, दैट्स इट। इन चारों को पहचानना है आपको। यहां आउटस्टैंडिंग आ गया, इसका मतलब एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आएगा इसके अंदर। तो सीधे के सीधे एक्सपेंसेस लिखो आप 2,70,000 और यहां माइनस करके अपनी इनकम निकाल लेते हैं, वो आएगी 0,000, 15 में से 7 गए तो 8 और 4 में से 2 गया तो 2, 2,80,000 आएगा। चेक कर लो, 15 में से 7 गए तो 8 बचे और 4 में से 2 2। अगर कैश बेसिस में पूछता तो कैश बेसिस में भी दिखा देता हूं कि कैसे डिफरेंस आता है फर्म की इनकम के अंदर, और फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू नहीं होता, बिकॉज अगर ये फॉलो करूंगा तो ये कभी नहीं आएगा। देख लो, कैश सेल लिखनी पड़ेगी इसमें केवल, क्रेडिट सेल इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि कैश सेल में ही पैसा आता है और ट्रांजेक्शन वही रिकॉर्ड होते हैं जिसमें पैसे आते हैं या जाते हैं। तो 3,90,000 लिखते हैं और यहां पर एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे केवल, फिर वो जो असलियत में पे करे गए हैं जिनमें कैश गया है, तो 80,000 इसमें से माइनस कर दो, डेट इज 1,90,000, तो ये निकल के आएगा केवल 2,02,00,000 आएगा बस। 80,000 का डिफरेंस देख रहे होगे इसके बीच में, यही है जो ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं आती, ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं आती, समझ गए। ये रीजन है कि ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं आती, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आती, एक्रूअल बेसिस के अंदर आती है, वही एडवांटेजेस अभी बताई थी आपको। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ अकाउंट्स के, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेरी हो तो पूछिए और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बताइए। थैंक यू।